देश भर में महिला अत्याचार की बरबर अमानवीय घटनाएं सामने आती जा रही। दिल्ली के गैंग रेप की घटना की आग से अभी तक देश उबरा नहीं था, तब तक बिहार, राजस्थान और देश के तमाम अन्य राज्यों में महिला अत्याचार की बरबर घटनाएं सामने आई हैं। चंचल कुमारी और उसकी बहन, ये दो दलित बेटियों के साथ में लगातार कुछ लड़के कुछ दरिंदे छेड़खानी कर रहे थे और इसको उन्होंने विरोध किया तो उनके घर में घुस करके 21/10/2012 की रात को इन दरिंदों ने इन दोनों लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका और बुरी तरह से जख्मी किया। ये दोनों दलित बेटियां और उनका परिवार न्याय के लिए जूझ रहा है। मैं वर्षा और ये है मेरा समुदाय। तेजाब कौन फेंका है? वही सब लोफोरन, सब ज्यादा है उधर का। ये आप लोग को जातिगत रूप से भी कुछ परेशान करते थे? हाँ, परेशान करते थे। तो क्या करें, हम नहीं बोलते घर, हम अपन दुसाद थे, हम कोई से नहीं बोलते थे, डांट कर रखते थे बाल बच्चा के, यही दशहरा में ले लिया। पुलिस ने चंचल के मामले में किसी भी अभियुक्त को नामजद नहीं किया है। फर्द बयान के समय बहुत ही गंभीर अवस्था में जख्मी चंचल से जो फर्द बयान लिया गया, उसने जरूर से अपने अभियुक्त के नाम बताए थे, लेकिन किसी भी अभियुक्त का नाम पुलिस ने नामजद नहीं किया है। जो पुलिस केस डायरी में दर्ज करती है वो बयान लिखा जा चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधान अंतर्गत भी इसका बयान, इस समय ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वो बयान देने की स्थिति में है। उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए नहीं लिया जा सका था। न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। परसों जो हम लोग DIG के पास गए थे, उन्होंने कहा कि 164 में इसका बयान कराएंगे, क्या कोई बयान किया गया है? तो कहाँ की नहीं आए, बोले कि हम आज आएंगे, तो आज कहाँ आए। दूसरी बात ये कि PMCH में सही से चंचल का और उसकी बहन का इलाज नहीं हो रहा है, उसको सही इलाज की जरूरत है। दवा माने सही से मिल रहा है कि नहीं? ना, वही एगो दवाई दी है दीदी, सुई के बदला में हम कहे कि नस ना मिलते तो कहाँ दिलवाई, लेकर कोठी में बोलते हैं कि ले जा, तो चलने वाला है कि ले जाओ इसको, हमें अन्ना से कहूँ मिलवे नहीं करता, सुखे के ही एगो दवाई है बस। ये सब दवा तो आप लोग को सब बाहर से, सब आप लोग खरीदे हैं? हाँ, किन के लाते हैं, बोलते हैं तो मैडम के सीरीज मिलेगा, कहता है कहिए नहीं है, तब क्या करें, बाहर से किन के लाते हैं। तीसरी बात, उसको सही मुआवजा नहीं दिलाया गया है, क्योंकि चंचल को ना कमाऊं दिखा करके, जबकि चंचल कमाने वाली लड़की है, वो मजदूरी करके अपने घर को सपोर्ट करती है, लेकिन चंचल को ना कमाऊं दिखा करके उसका मुआवजा लगभग आधे से भी कम कर दिया है। ऐसे पेशेंट्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको क्या खर्च आता होगा? कैसा हॉस्पिटल तो कोई फिक्स है नहीं यहाँ, फिर भी सिर्फ चंचल के मामले जैसा मामला है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सर, चंचल के मामले में आप आगे क्या क्या करेंगे? क्या अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो और पैसा लगेगा डबल, व्हाट बिहार, बिहार में हम लोग जितना लेते हैं उससे डबल बॉम्बे में लगता है। उसके पुनर्वास को लेकर के सरकार की, महिला आयोग की, पुलिस की कोई सोच नहीं दिखती है। ऐसे हालत में ये सारे आरोपी छूटने के आशंकाएं हैं। हम लोगों ने इस सिलसिले में पुलिस के आला अफसरों से बातचीत की तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे हैं। बिहार का राज्य आयोग भी चुप्पी साधे हुए है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द चंचल के केस में गंभीर पहल के लिए अपील करें। मैं वर्षा, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।